दोस्तों सफर तू चला जा बाइक पे, तू कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज तो हमसे ना हो पाएगा भैया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आप हो चुकी है बसट। बेसिकली क्या हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया पूरा, मेरा सोनी के साथ में पूरा शूट था, लेकिन यहाँ हमारा माइक हो गया ख़राब और हम इस पूरी वीडियो में जो भी हमने बोला है कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ आज देहरादून, और देहरादून का एक पूरा व्लॉग बनाकर मैं यहाँ पर डालूंगा। इसके दोस्त वो रहेंगे, मसूरी भी जाऊँगा तो वो भी रहूँगा, वो भी आपको शेयर कर दूँगा। अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, बेसिकली मुझे कुछ काम है वहाँ का। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ तो वॉइस नहीं आएगी तो बेहतर है सीधे सीधे जाकर जो मेन वीडियो है वहीं पर आपको लेके चलता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सफर तू चला जा बाइक पे। तो दोस्तों सफर की शुरुआत कर दी है, फिलहाल मैं मेन रोड पर आ चुका हूँ और यहाँ से तकरीबन जो रास्ता मुझे बता रहा है भाई, बस कर अलार्म तू बजा ले पहले। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से मुझे करीबन 2 घंटे के आसपास लगेंगे। देहरादून 120 किलोमीटर यहाँ से जो है जगह पड़ जाती है जहाँ मुझे जाना है। तो अभी रास्ता है ही, चल रहे हैं, अभी देखते हैं यहाँ कहीं चाय मिल जाए तो मुझे चाय जरूर पीनी है, क्योंकि चाय पीने का बहुत देर से मन हो रहा है और याद नहीं आया। मैं सोनी को बोला कि हाँ, उसने पानी तो मुझे दे दिया, मैं भूल गया था ये भी। तो चाय वाला जो कप है ना मेरा छोटा, वो भूल गई, मैं भी भूल गया उसको बताने के, मुझे थोड़ी सी चाय दे देना। रास्ते में थोड़ी चीज़ होती है तो कहीं रास्ते में रुके, मैं बस एक कप चाय पीनी है और फिर दोबारा से मंजिल की तरफ चल रहे हैं। पूरा रास्ता निकल गया, एक जगह रोकी अभी चाय के लिए, अब चाय इस पर दूध नहीं है यार, मतलब अब तो फिर आ गया, फिर अब चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सीधे फिर दोस्त के घर जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ का क्या इंतजाम है, आगे क्या काम होगा, काम होता है नहीं होता, तो बस वेट नहीं करते, बस निकल पड़ते हैं। क्या हाल चलें देख बजे। गाड़ी तो सही खड़ी है, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों भाई आ गई अपनी थार 700 की जो स्पेशल एडिशन थी वो, अब 1-2 काज के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ओनरशिप रिव्यू भी बना लें। तो बस अपना एक वीडियो शूट करते हैं जल्दी से, पहले अभिषेक से मिलवाता हूँ। ये है अभिषेक जिसके पास में मैं आया हूँ देहरादून। इसने मुझे बुलाया, कहता ने अभी तुझे आना अभी तक आया नहीं, इतने टाइम से बुला रहा था, तो आज मैंने इसको धप्पा मार ही लिया बहुत टाइम से। तो फिलहाल अब देहरादून आप देखो कितना बढ़िया लोकेशन है, फिलहाल हम लोग आए हैं घूमने के लिए अपनी थार दूधली बोलते हैं इसको, दूधली जंगल है ये। तो बस अपना आज तो ऐसे ही रहेगा, घूमेंगे फिरेंगे मजा करेंगे, क्योंकि आज मिल भी मेरे ख्याल से मैं करीबन 6-7 महीने बाद रहा हूँ इससे। तो अब चलते हैं, अब थोड़ा घूमते फिरते हैं, फिर तुम्हें आगे की वीडियोस दिखाता हूँ। और डैडी आज गए हुए हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड के घर पे। तो फिर अभी बन रहा है साग, तो इसी क्योंकि डैडी को साग कम पसंद है तो अभी मम्मा सरसों काट रही है। सरसों है क्या, क्या है, मेथी। हाँ मेथी। तो अभी हो चुके हैं शाम के 4:15 या 20 और अभी हम यहाँ ऊपर आए हुए हैं और मम्मा तोड़ रहे हैं, क्या मम्मा पालक ना, पालक कितना अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है मम्मा। पहले पिछली बार जब आए थे कितना ज़्यादा छोटा था, कट रहा है ना ये, इससे पहले नहीं दादी ने काटा ना, ना इससे पहले नहीं काटा, आधे से ज्यादा। तो पहले ऐसा ही लग रहा था कि पालक घर का हो गया है, बाकी और साग बनाने के लिए सब्जी वाले से ले लिया है। और ये देखें मीठी ने क्या सुंदर चकाचक छत कर दिया, इधर से लेके इधर तक इतना सारा ये कूड़ा मीठी ने ही निकाला है अकेली ने। पर मम्मा ने भी थोड़ी मदद करी। मिलसी आज ऊपर छत पर झाड़ू लगाने का आइडिया कैसे आ गया, ऐसे लगा ले फिर। आज आ गए मेरे चैनल के मजे, पहले थार की वीडियो बनाई और अब मेरे पास आ गई है मर्सिडीज CLA। जी हाँ, GLA नहीं है ये, CLA है 2200 शायद, बेसिकली सेडान कार है। तो मैंने सोचा इसका भी एक ओनरशिप रिव्यू बनाई डालते हैं। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म, सब बना लिया मैंने जितनी बनानी थी दोनों गाड़ियों की। अब मैं आया हूँ अभिषेक के नए होटल पर, जी हाँ इसने अभी रिसेंटली खोला है चाप का चस्का देहरादून में। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बनेगा। फिलहाल तो बढ़िया है, एक छोटा सा ढाबा काइंड ऑफ बढ़िया सा रेस्टोरेंट इसने चाइनीज़ का बनाया, फास्ट फूड कॉर्नर,
मंझेड़ा वाले जो भी लिखा है। फिलहाल ये दोनों हैं हमारी भतीजी, बचपन में बहुत खेला है हम लोगों ने, कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, फिलहाल पूरी मस्ती खो रही है और अभिषेक खुद अपने हाथ से बना के बर्गर खिला रहे दोनों को। फिलहाल यहाँ मिलता क्या क्या है, ये इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं, दो कॉर्नर्स बनाए हुए हैं वेज नॉन वेज वगैरह के हिसाब से, और ये सब पार्ट्स हैं जो ये फिलहाल कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा, जो मैंने खाया था, वो तंदूरी मोमोज थे यार, और बर्गर था बहुत अल्टीमेट, मज़ा आ गया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी, मैंने ज़्यादा वैसे ब्लॉगिंग कभी करी भी नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है बनी कैसी होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत ठीक लगे और लगता है कि हाँ भाई आप मुझे भी देख सकते हो सोनी के साथ में ब्लॉगिंग करते हुए, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड शेयर बटन, तो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ तो हमसे ना हो पाएगा भैया।